वर्गो, वर्गो यानी कन्या राशि, मैं सुरेश को ट्रिपल एस इंडिटेरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाले जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकते, जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं और ये रीडिंग अगले 4 से 5 दिन के लिए वैलिड रहेगी। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम वर्गों के जो आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं वो क्या है, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे कि इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, क्या एंजल मैसेज रहेंगे आपके लिए। तो आइए देखते हैं वर्गों के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। तो वर्गो जो आपके पर्सन हैं, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कुछ ऐसी बात सामने आ गई है जो इस रिश्ते में क्लियरिटी ला सकती है। अगर ऑनेस्टी या फिर कह सकते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ वो महसूस कर रहे हैं कि किस कोई भी चीटिंग, कोई भी फ्रेड, कोई भी धोखाधड़ी इस रिश्ते में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ और स्पष्ट इस रिश्ते में होना चाहिए। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अपनी जिम्मेदारियों को लेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों के बारे में फोकस करेंगे और धीरे धीरे करके इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। हो सकता है कि ये जो एनर्जी है वो एक न्यू एनर्जी हो सकती है या एक बच्चे की एनर्जी हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है। तो लेकिन अगर वो इसमें आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे तो यूनिवर्स की तरफ से गुड मैसेज मिलेगा, न्यूज़ मिलेगा, और न्यूज़ यही होगा कि धीरे धीरे करके अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं तो आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी, रिश्ता आपका आगे बढ़ेगा और ये रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेसफुल होगा। नेम फेम्स के साथ, क्योंकि इतना इस रिश्ते में पोटेंशियल, दम और ताकत है ताकि ये रिश्ता आगे बढ़ सके और फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ मिल सके। तो ये रिश्ता सक्सेसफुल और विक्टोरियस हो सकता है, यही आप महसूस कर रहे हैं। आपके जो पर्सन हैं वो फील कर रहे हैं कि अगर सिंगल की इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए वो आगे बढ़ेंगे, पैसे और प्रॉपर्टी के बारे में सोचेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ेंगी और रिश्ता खुद ब खुद सक्सेसफुल और विक्टोरियस होगा। उनका जो अकेलापन है, जो वो अपने आप को सिंगल मान रहे हैं, वो ख़त्म होगा और एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत होगी। तो देखते हैं आप क्या महसूस करते हैं वर्गो, वर्गो की फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, द एम्परर एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो वर्गो आप महसूस कर रहे हैं कि आप जगलिंग फेस से बाहर निकलते हुए, आप अगर आप ये डिसाइड कर, यानी कि जो आप जगल कर रहे हैं, आपको डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि अभी आपको प्यार के बारे में सोचना चाहिए या पैसे के बारे में सोचना चाहिए, तो ये डिसीज़न लेना आपके लिए थोड़ा सा हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। लेकिन आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, आप जगलिंग फेस में नहीं रहेंगे, आप इस रिश्ते में, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आप टीम एफर्ट लगाएंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे, परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए आप ये डिसाइड करेंगे कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। चाहे भले ही ये सोचना, आप ये डिसीज़न लेना आपके लिए हार्श हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन क्योंकि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि आप क्यों इस रिश्ते को अपना अभी भी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, सोलमेट मानते हैं, तो इसलिए आपकी दिली तमन्ना है, विश फुलफिलमेंट है कि आप इसमें परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते को कामयाब बनाएंगे, विक्टोरियस और सक्सेसफुल बनाएंगे। ये आपकी दिली तमन्ना है, ये आपकी विश फुलफिलमेंट तभी होगी जब आप इस रिश्ते को परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ाएंगे और ये डिसाइड करेंगे
कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं और तैयार हैं। तो इसका देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में वर्गो के पर्सन क्या एक्शन लेंगे, क्या वर्गो के पर्सन इसमें कोई एक्शन लेने वाले हैं अगले 72 आवर्स में, चलिए देखते हैं। एस ऑफ कप्स, द फूल, किंग ऑफ वांड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है नाइट ऑफ वांड्स। तो इस रिश्ते में जो भी ठहराव था, जो मतलब इन एंड आउट की स्थिति थी, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, जो इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं, कोई वादा नहीं, और इस रिश्ते में आना जाना लगा हुआ था, कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं था, शादी का कोई इकरार नहीं था, तो धीरे धीरे करके उन चीज़ों को हैंडल करते हुए अपने आप को प्रिपेयर और रेडी करते हुए आप इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि डिटैच ना रहते हुए, कोल्ड ना रहते हुए अगर दोनों पक्षों की बातें सुनेंगे, इस रिश्ते में थोड़ा सा रिस्क लेंगे, एक बिगनिंग एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ गुड मैसेज मिलेगा। और गुड न्यूज़ मैसेज यही कि धीरे धीरे करके जो बिगनिंग जो शुरुआत हुई है वही रिश्ता एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकता है। यूनिवर्स की तरफ से गुड मैसेज मिल सकता है कि आप इस रिश्ते में सक्सेसफुल और कामयाब जरूर होंगे। तो वो इस रिश्ते को कामयाब बनाने वाले हैं, सक्सेसफुल बनाने वाले हैं, थोड़ा सा रिस्क उठाने वाले हैं और दोनों पक्षों की बातें को समझते हुए, यानी कि एक पक्ष के नहीं दोनों पक्षों के बारे में सोचते हुए वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। जो कमिटमेंट वगैरह नहीं था, जो इकरार नहीं था, जो ठहराव नहीं था, तो इस रिश्ते को में ठहराव लाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। तो उनको लगता है कि थोड़ा सा रिस्क लेंगे, एक बिगनिंग एक शुरुआत करेंगे, तो समय के साथ वक्त के साथ सब चीज़ें ठीक होंगी और ये रिश्ता उनको कामयाब जरूर करेगा, आगे ज़रूर बढ़ेंगे। और ये रिश्ता खुशियाँ दिला सकता है, एक जीत दिला सकता है आगे बढ़ने में। तो चलिए देखते हैं एंजल मैसेजेस देखते हैं यूनिवर्स गाइड में। प्लीज़ एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं वर्गो पर्सन के लिए। एंजल जी गाइड कीजिए वर्गो पर्सन के लिए, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। नॉट द राइट टाइम, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, रिकवरी एंड टेक एक्शन। तो यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाहते हैं कि जो आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, जो आपका ये समय है वो ठीक नहीं है, अभी आप जो अब तक का आपने समय बिताया है वो सही नहीं है, वक्त सही नहीं है आपका। आपको अपना समय अच्छा बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए दूसरों से हेल्प लेने की ज़रूरत है, दूसरों से मदद लीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, दूसरों के बारे में भी सोचिए और दूसरों से इस रिश्ते के बारे में हेल्प लीजिए, जिसको आप अपना सुपीरियर मानते हैं, एल्डर मानते हैं, गुरु मानते हैं, उनकी मदद से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके रिकवरी हो सकती है। यानी कि ये नहीं कहा जा सकता कि 100% चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं, लेकिन गुड से बेटर चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं थी, समय आपका साथ नहीं दे रहा था, आपके फेवर में चीज़ें नहीं थी, तो धीरे धीरे करके उन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होगा, रिकवरी होगी, आपको धीरे धीरे करके सक्सेस होते आप चलेंगे और आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो यूनिवर्स यही आपको गाइड करना चाहते हैं कि आप एक्शन लीजिए, रुकिए मत, धीरे धीरे करके आपकी रिकवरी होगी, धीरे धीरे करके आपकी प्यार में सुधार आना शुरू होगा, आप आगे बढ़ पाएंगे। आपको उन लोगों की मदद लेनी है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, जिसको आप अपना एल्डर मानते हैं, गुरु मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं। जो समय आपका अब ठीक नहीं चल रहा है, ये समय आपके लिए उचित नहीं है, ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप किसी की मदद लेंगे तो चीज़ें सुधार में आ सकती हैं, रिकवरी हो सकती है। समय और वक्त लगेगा, लेकिन चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर आएंगी, रिश्ता ज़रूर सुधार में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे,
तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।